ये एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज है। ये कई पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट डाउनलोड हो चुका है और ये दूसरा पार्ट है उसका, और जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहले ही बताया जा चुका है इस चैप्टर पे आपको फ्रैक्शन पढ़ने हैं। फ्रैक्शन, इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, और इसमें मैं हम फ्रैक्शन के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न वगैरह पढ़ने वाले हैं, और ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 2/9, 2/3 एंड 8/21। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में होता था कि छोटे से बड़े की तरफ जाते थे, लेकिन इसमें हम बड़े से छोटी की तरफ जाते हैं। जैसे हम ये कहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कि हम कैसे जाएंगे, जैसे ये बड़ा हो गया, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये इससे छोटा। यानी हम ये कह दें 10, 9, 7, 8, ऐसे 8, 7, सॉरी, यहाँ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको अरेंज करेंगे। हमने वीडियो को छोटा बनाने के लिए ही पहले ही लिख रखा है और इसको समझाएंगे हम ये नहीं है कि पहले जो कि है लिखेंगे फिर समझाएंगे। ऐसा है कि पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे इन तीनों का एलसीएम लेने के लिए हम पहले ही कहे कि हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले 9, 3, 21 तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं करके डायरेक्टली हम एक सिंपल वे तैयार करेंगे कि इन तीनों में जो भी नंबर इनके टेबल में आते हैं, जो उसको हम चूज़ करेंगे, जो इन तीनों में एक कोई एक नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता है, तो वो है 63। 63 यानी 63 9 में कब आएगा, 9 × 7, यानी इसको जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं न्यूमिनेटर और इसको कहते हैं ड्यूमिनेटर, और ड्यूमिनेटर के साथ हम एलसीएम लेते हैं, ना कि न्यूमिनेटर को देखेंगे। हम एलसीएम लेते समय ड्यूमिनेटर को देखेंगे और ड्यूमिनेटर से कितने बार में 63 आएगा हम ये देखेंगे। यानी 9 7 जा 63, और 2 9 2, जिसने से हम नीचे इंटू करेंगे उतने से ही ऊपर करेंगे, यानी 2 7 जा 14, यानी 9 7 जा 63, 2 7 जा 14, यानी ये एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फिर ऐसे ही देखेंगे 3 के टेबल में कब आता है, तो 3 के टेबल में 21 टाइम्स में आता है, तो 3 × 21, और जितने से नीचे करेंगे यानी न्यूमिनेटर में करेंगे उतने से ही ऊपर वाले में, यानी ड्यूमिनेटर में करेंगे उतने में न्यूमिनेटर में करेंगे, यानी 2 × 21, यानी ये कन्वर्ट हो गया 42, और 3 21 जा 63, यानी ये कन्वर्ट हो गया लाइक फ्रैक्शन में, मिल गया हमको 42/63। ऐसे ही इसके साथ भी करेंगे, 21 में कितने टाइम्स में आते हैं, तो 3 टाइम्स में 63 आता है, और जितने से नीचे करेंगे उतने से ऊपर भी करेंगे, यानी 8 × 3, यानी 24/63। तो हम अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब हम देख लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, 42/63, तो हम पहले नंबर पे रखेंगे उसको, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 42/63। दूसरे नंबर पे कौन सा है, 24, सॉरी, हाँ। अब क्या करेंगे, यानी हमने सबसे पहले किसको रखा, जो बड़ा था, यानी 42/63। दूसरे में क्या किसको रखा, 24/63, एंड थर्ड यानी जो सबसे छोटा है वो ये है 14/63।
63, या देखें या इसको ऐसे कह सकते हैं 2/3 सबसे बड़ा है, 8/21 उससे छोटा है, और 2/9 वो सबसे छोटा है। यानी ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं उसी के सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। तो सेकंड क्या कर रहा है, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। किसको चेंज करना है, नंबर दिया हुआ है 1/5, 3/7 एंड 7/10। यानी इसको हम पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ड्यूमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, फिर वही पैटर्न, इन तीनों के टेबल में जो नंबर आता हो सेम वो नंबर लेंगे। कौन सा नंबर आता है, 70। 70 किसके टेबल में, 10 के भी टेबल में आता है, 10 7 जा 7 के भी टेबल में आता है एंड 5 के भी टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 से कितने बार के टेबल में कितने बार में आएगा, 14 टाइम्स में। यानी 5 × 14 = 70, ऐसे ही जितने से नीचे में करेंगे यानी ड्यूमिनेटर में करेंगे उतने से ही न्यूमिनेटर में करेंगे, यानी 41 × 14। और हमारा लाइक फ्रैक्शन कितना आया, 14/70। ऐसे ही सेकंड वाले में आएंगे 3/7 में, 3/7 7 के टेबल में कब आएगा, 7 10 जा 70। तो नीचे ड्यूमिनेटर में जितने से इंटू करेंगे इतने से ऊपर में भी करेंगे, यानी 7 × 10 × 3/10। तो हमारा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो कितना आएगा, 13/70। और थर्ड क्या है, 7/10। 7/10 में हम 10 में कितने बार इंटू करेंगे कि 70 आ जाए, तो वो आएगा 10 7 बार में 10 × 7, यानी 7 टाइम्स में आएगा। तो जितने से नीचे करेंगे उतने से ऊपर भी करेंगे, यानी 10 × 7 और 7 × 7 भी ऊपर 7 से ही करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 49/70। ऐसे ही अब हमें क्या मिला डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए, हमें सभी लाइक फ्रैक्शन में हो गए कन्वर्ट हो गए। अब लाइक फ्रैक्शन को हम अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन है, 49/70, और सेकंड पोजीशन पे कौन है, 30/70, और सबसे छोटा है 14/70। यानी या ऐसे कह सकते हैं 7/10 सबसे बड़ा है, 3/7 उससे छोटा है, और 1/5 सबसे छोटा है। यानी हमारा ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का ये कह रहा है कि हमें ये दिखाना है कि एक स्क्वायर बोर्ड दिया हुआ है, पर कह रहा है ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं, ये हमें देखना है यस या नो। कह रहा है, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायलॉग्स इज द सेम, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर। क्या ये मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर कहने का मतलब है कि अगर इस साइड से भी अगर ऐड किया जाए, यानी हम हॉरिजॉन्टल या यानी हम ऐसे इस साइड से प्लस करें या इस साइड से प्लस करें, ये दोनों साइड से ऐड करने पे सेम आएगा। अगर ऐसा होता है सब में तो हम कहेंगे ये मैजिक स्क्वायर है, अगर नहीं है तो हम आएगा तो हम कहेंगे नहीं है। जैसे हमने ऐड किया, यानी हमको ये लाइक फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ हमें ऐड करके देखना है कि ये लाइक ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं, यानी प्लस करने पे सेम आंसर आता है या नहीं। यानी 4 + 9 + 2 = कितना आएगा, 15/11। ऐसे ही इसको देखें, 3/11, 5/11, 7/11, इसको भी हम प्लस करें तो 3 + 5 = 8, 8 + 7 = 15, यानी 15/11, ये भी सेम है। 8 + 9 = 9 + 6 फिर 15/11, ये भी सेम है। अगर इस साइड से देखें ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो 4/11, 3/11 एंड 8/11, यानी 4 + 3
यानी 7, 7 प्लस 8 यानी 15 अपॉन 11 सही है। 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15 अपॉन 11 ये भी सही है। 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 यानी 15 अपॉन 11 ये भी सही है। ऐसे ही हम यहाँ पे ऐड करके दिखाया गया है कि 4 अपॉन 11 प्लस 9 अपॉन 11 प्लस 2 अपॉन 11 इक्वल टू 15 अपॉन 11 यानी ऐसे ऐसे ही इसको हम ऐड करके दिखाया गया है इस पे कि 3 अपॉन 11 5 अपॉन 11 7 अपॉन 11 इक्वल टू 15 अपॉन 11 ये भी सही है। यानी अब आती है इसकी बारी तो ये 8 अपॉन 11 1 अपॉन 11 प्लस 6 अपॉन 11 इक्वल टू 15 अपॉन 11 ये भी सही है। अगर इस साइड से जाए ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो 4 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11 प्लस 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू 15 अपॉन 11 ये भी सही है। अगर इसको देखा जाए तो फिर ऐसे ही हम इस बार 111 को एलसीएम दिखाने की कोशिश किए हैं कि ये एलसीएम हो जाएगा ऐड कर ले लेंगे तो क्या होगा। तो ये कोई ऐसे नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 9 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 15 अपॉन 11 ये भी सही है। 2 प्लस 7 प्लस 6 अपॉन 11 15 अपॉन 11 ये भी सही है। यानी ये सही है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें दिया गया जो स्क्वायर है वो मैजिक स्क्वायर है। यस दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसमें कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट के बाद मैं कमेंट सेक्शन ओपन है और कमेंट के बाद मैं आपके लिए स्पेशली आपके लिए वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन का मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।